हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नींबू का पाउडर, नींबू पानी बनाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत है और आजकल हमें नींबू पानी की बहुत आवश्यकता है। मार्केट का हम पी नहीं सकते हैं, कुछ लिमका वगैरह या कोका वगैरह, इसलिए हमको घर पर ही पीना चाहिए नींबू पानी। ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, विटामिन सी भी मिलता है और इससे हमारी इम्यूनिटी का भी फर्क पड़ता है। इस टाइम हमें बहुत ज़रूरत है। अब हम आपको दिखाते हैं नींबू का पाउडर कैसे बनाते हैं। हमें एक थाली चाहिए और नींबू काट के इस तरह से अभी हम थोड़ा सा ही बताते हैं दो नींबू का रस निकाल के। इसका नापना भी जरूरी है। अगर एक कटोरी नींबू रस है तो चार कटोरी हमें चीनी डालनी है। ये हमारा भी दो नींबू में आधा कटोरी रस निकला है, तो हम उसी के हिसाब से चीनी डालेंगे। ये हम इसमें इस तरह से इसमें फैला देंगे। हम इसी कटोरी से नाप के चीनी लेनी है। हमने इसको इस तरह से फैला देना है। ये हो गई हमारी दो कटोरी चीनी। बस अब इसको हमने चलाना नहीं है, इसी तरह छोड़ देना है। कम से कम इसमें 5 दिन सूखने में लगेंगे। बीच बीच में एक दो बार इसको चम्मच से हिला देना है, दिन में एक बार। इसको हमने धूप में नहीं सुखाना है, सिर्फ पंखे के नीचे ही रखना है, इसलिए क्योंकि मेल्ट हो जाएगी धूप में। ये देखिए, मैंने ये पहले से बना के रखी हुई थी। देखो कितनी अच्छी करारी हो गई है। अब मैं इसको पीस के दिखाती हूँ। ये देखिए पीस कर कितनी अच्छी हो गई है। अब चीनी घोलने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रखेंगे। देखिए कितना अच्छा महीन पाउडर बनके तैयार है। अब हमें नींबू पानी बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। बस एक चीज का याद रखें कि इसमें नमी वाली चम्मच ना डालें, जिससे कि एक बार अगर नमी आ गई तो जम जाएगा। बस इतना ध्यान रखें कि सूखी ही चम्मच हो। फ्रिज में भी नहीं रखना इसको। ये देखिए, मैं आपको अब नींबू पानी बनाकर दिखाती हूँ। कितना बारीक पाउडर पिस गया इसका। ये देखिए, घोलने में भी आसानी। और अगर बाजार में कई बार नींबू नहीं मिलते हैं, चीनी कोई मेहमान आ जाए तो चीनी बहुत देर से घोल पाते हैं, तो इसलिए आराम से इतनी जल्दी बन जाता है ये। एक चम्मच हमने पाउडर लेना है और इसमें पानी मिला देना है। ये देखिए नींबू पानी तैयार है। अब आप इसको कितनी जल्दी नींबू पानी तैयार हो गया है। मेहमानों को भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
और हमारा नींबू पानी तैयार। आप चाहें तो इसमें बर्फ डालें, वैसे ही इस मौसम में अभी बर्फ डालना उचित नहीं है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।